So hello everyone, Karen Karvid Birman from Tolani Maritime Institute this side. And as you guys know that Synergy का result out हो चुका है, लेकिन इस साल Synergy की जो percentile गई है वो काफ़ी high गई है, वो 77.some percentile गई है, 78 से थोड़ा ही कम रही है, 77-78 के बीच में है, जो कि काफ़ी हाई है if we compare this percentile to last year. Last year की percentile 58 approx थी, इस साल 20 का jump किया percentile ने. बट यार मे बी बिकॉज ऑफ द बाल्टीमोर इंसिडेंट दैट हैपेंड, या फिर इनको कैरेट्स रिक्वायरमेंट इस बार थोड़ी कम है इसीलिए भी ये हो सकता है. तो काफ़ी सारे इंसिडेंट है जिसकी वजह से कट ऑफ उन्हें हाई करनी पड़ी. देहरादून सेंटर में चीटिंग भी हो गई थी इनके रिटन एग्जामिनेशन में, सो मे बी वो भी एक रीज़न हो सकता है इसके इनकी इस परसेंटाइल हाइक का. सो वॉट यू गाइज हैव टू डू नाउ, जिन जिनका नहीं क्लियर हो पाया है, कोई नहीं यार, हिम्मत नहीं हारनी है. यू गाइस स्टिल हैव मेनी ऑप्शंस, बहुत सारी कंपनीज अभी भी आपके पास है. IMI में इंटरनल कंपनीज आ रही है, टोलानी में इंटरनल कंपनीज आ चुकी हैं, और फ्लीट का सेकंड राउंड है. यू हैव मेनी ऑप्शंस, बट जो सेलेक्ट हो गए हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम. योर हार्ड वर्क, योर डेडिकेशन पेड ऑफ. आप, मैं भी Synergy से हूँ तो मेरे को अच्छा खासा आइडिया है Synergy का. तो इस वीडियो में आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द इंटरव्यू पोर्शन ऑफ Synergy. इंटरव्यू में क्या क्या पूछते हैं Synergy के में. सो Synergy का इंटरव्यू, मैंने 10 कंपनीज़ में मैं आई वॉज सेलेक्टेड, बट Synergy का इंटरव्यू वॉज समवट आई से इट वॉज नॉट दैट मच डिफिकल्ट वैन आई कंपेयर इट विद अदर कंपनीज. इट्स ईजी, बट मे बी दिस टाइम दे कैन टेक इंटरव्यूअर टू अ हायर लेवल एज फार एज आई एम रिकॉलिंग और आई एम गेसिंग दैट दे विल मेक द इंटरव्यूअर हार्डर. तो आपको क्या करना है, लास्ट ईयर के क्वेश्चंस में बताता हूँ वो प्रिपेयर करने हैं, और उसके अलावा आपको थोड़ा सा टेक्निकल पे फोकस करना है. आपको टेक्निकल थोड़ा सा पोर्शन ज़्यादा पता होना चाहिए. आपको 11-12 की, तो यार जिन्होंने इतना मेजर, इतना काफ़ी बड़ा एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है, उनको PCM का तो ऑब्वियसली काफ़ी एक अच्छा आइडिया होने वाला है. बट स्टिल आपको लास्ट ईयर के क्वेश्चंस पता होने चाहिए, और टेक्निकल तो आई एम गेसिंग कि आप कर ही लोगे अगर आपने 78% आपने अचीव किया इस एग्ज़ाम में. तो बात करते हैं लास्ट ईयर के क्वेश्चंस क्या थे. जो मेजर क्वेश्चंस थे वो थे नॉन टेक्निकल पोर्शन से, और Synergy में लास्ट ईयर IMUCT वाज मैटरिंग अ लॉट. अगर आपकी IMUCT रैंक जितनी अच्छी है उतना ज़्यादा बेटर है, उतने आपके चांसेस ऑफ सिलेक्शन ज़्यादा हैं, वरना आप वेटिंग लिस्ट में वो डाल देते थे. लेकिन आपका अगर ये अच्छा आया है, रिजल्ट अच्छा रहा है IMUCT का, तो फिर वो आपको ईजिली स्पॉन्सरशिप दे देंगे. तो आपको क्या करना है, आपको लास्ट ईयर के क्वेश्चंस लेने हैं, जो कि मैं अभी आपको बताता हूँ कौन कौन से हैं. इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, द मोस्ट बेसिक क्वेश्चन. वाई डू यू वॉन्ट टू जॉइन मर्चेंट नेवी, ऑल्सो वेरी बेसिक क्वेश्चन. इसके अलावा शिप बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. शिप बेस्ड क्वेश्चन क्या क्या होते हैं, एक्सप्लेन PPE इज पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, टाइप्स ऑफ शिप, विच टाइप ऑफ वेसल यू वॉन्ट टू जॉइन एंड वाई यू वॉन्ट टू जॉइन दैट स्पेसिफिक टाइप ऑफ वेसल. इसके अलावा योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, थोड़ा बहुत ज्योग्राफी का पोर्शन भी वो पूछते हैं. एंड इट डिपेंड्स अपॉन देयर मूड, वो है ना, थोड़ा सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं. तो सिचुएशन भी इसके लिए भी प्रिपेयर रहना है कि कैडेट है, यू आर अ कैडेट ऑन शिप एंड द कैप्टन हैज़ टोल्ड यू टू डू दिस एंड दैट, बट इट्स डिफिकल्ट, इट्स डेंजरस फॉर यू टू, तो आप स्टिल वो करोगे या नहीं. तो वो भी थोड़ा लाइक ऐसे टाइप के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं Synergy में, सिचुएशन बेस्ड. इसके अलावा बात करते हैं और टाइप्स ऑफ क्वेश्चन. ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में कैपिटल्स वो पूछा था उन्होंने लास्ट ईयर कुछ कैडेट से. फिजिक्स में बहुत बेसिक क्वेश्चंस लाइक पास्कल्स लॉ, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, लॉ ऑफ रोटेशन, और वो सारे इजी क्वेश्चंस. मैथ्स में मेंसुरेशन और ट्रिगो के फॉर्मूलाज देख लेना, क्योंकि उसके अलावा एज सच कोई बड़ा पूछते नहीं है वो. इसके अलावा उन्होंने जो कुछ स्ट्रेंज क्वेश्चंस पूछे थे वो ये पूछे थे, हाउ विल यू मेजर द वेट ऑफ अ शिप एंड हाउ विल यू मेजर द वेट ऑफ अ ट्रक. ये क्वेश्चंस काफ़ी अलग, काफ़ी हट के उन्होंने ये क्वेश्चंस पूछे थे आउट ऑफ द ब्लू, जो एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन ये क्वेश्चन पूछे गए थे. तो इनको भी आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है. और इसके अलावा नॉन टेक्निकल तो यार यू शुड हैव स्ट्रॉन्ग योर फैमिली बैकग्राउंड एंड जो भी नॉन टेक्निकल में इंक्लूड होता है वो सब आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. और टेक्निकल क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी इंक्लूड कर दिया, लास्ट ईयर ये थे. एंड बाकी अगर टेक्निकल कोई पूछेंगे तो आपने इतने अच्छे परसेंटाइल स्कोर किया तो आप टेक्निकल ऑब्वियसली आई एम होपिंग कि आप कर लोगे. सो यही थे क्वेश्चन जो उन्होंने पूछे थे. सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो गाइस. Thank you, regards Pacific Marine Academy. If you like the video, then don't forget to share the video, like the video, comment if you are still having any doubts, and subscribe to the YouTube channel. Thank you, guys.